नमस्कार। दादी की कहानी में आप सबका स्वागत। रामायण में आप जानते हैं बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां हैं, तो आज मैं आपको रावण के 10 सिर कैसे हुए उसकी कहानी सुना रही हूँ। भगवान ब्रह्मा को खुश करने के लिए रावण ने बहुत 100 सालों तक बहुत कठिन तपस्या की। एक दिन ब्रह्मदेव को मनाने के लिए रावण ने अपना सिर काट दिया। जब उसने अपना सिर काट कर यज्ञ में डाला तो उसका सिर अपने आप उसके शरीर से जुड़ गया। रावण ने कई बार अपना सिर काटने का प्रयास किया किंतु हर बार वह सिर उसके शरीर से जुड़ जाता था। वह अपना सिर तब तक काटता रहा जब तक ब्रह्मदेव उसके सामने प्रकट नहीं हुए। रावण के इस समर्पण से खुश होकर ब्रह्मदेव ने उसे 10 सिर का वरदान दिया और तब से रावण सर्वशक्तिमान और सर्वश्रेष्ठ राजा बन गया। कहा जाता है कि प्रकांड पंडित और महान ज्ञानी रावण के 10 सिर में से 6 सिर शास्त्रों के, 6 सिर शास्त्रों के और 4 सिर वेदों के प्रतीक हैं। धन्यवाद।